स्थापित महाप्राधिकार देना होगा, नमस्कार जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। एनडीए प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी ने किया नामांकन, विशाल जनसभा में उमड़ा जैन सैलाब। बड़कागांव विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद एक विशाल जनसभा का आयोजन घोटवा फुटबॉल मैदान नया नगर बड़काकाना में किया गया। जनसभा में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, गिरिडीह लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, संचालन अनिल राय, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता, आशु रामगढ़ जिला अध्यक्ष दिलीप डांगी, हजारीबाग जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो, बड़कागांव विधानसभा प्रभारी किसलई तिवारी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। सभा में सांसद मनीष जायसवाल ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा ने देश को विकास की नई दिशा दी है। वहीं रोशनलाल चौधरी ने जनता से संवाद करते हुए भाजपा सरकार की योजनाओं को गिनाया और कहा कि भाजपा ही बड़कागांव क्षेत्र का समुचित विकास कर सकती है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे भाजपा का समर्थन कर विकास की गति को तेज करें। रोशनलाल चौधरी ने विश्वास जताया कि इस बार भी जनता भाजपा को ही अपना समर्थन देगी। धार्मिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, 20 वर्षों से लगातार हमने एक परिवार के सदस्य की तरह, आपके भाई भतीजा बेटा की तरह 20 वर्षों से आपके पास हमें सुख मिला है और हम आपका विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में भी हर सुख दुख में आप सबसे याद करिएगा। 12 बजे रात 24 घंटा वो भगवान चौधरी आपके सेवा में आपने इस आशीर्वाद सभा में आकर हमें आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने अपना आशीर्वाद दिया और पूरे बड़कागांव विधानसभा के देहरादून जनता को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी इकाई के पदाधिकारी साथी, भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारी साथी, सभी लोगों को बड़कागांव विधानसभा के एक जनता को, माता बहन को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज आपने इतना बड़ा ऐतिहासिक जन सहयोग जो दिखाया है उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपको हम हृदय से कि भगवान हेमंत सरकार और इस सरकार में सारे जितने भी पार्टियां है, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, सब लोगों ने मिलकर झारखंडियों के साथ कितना धोखा किया है। हेमंत सरकार ने, हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादों में जो बोला था, आज तक एक भी वादा क्या पूरा हो गया? भ्रष्टाचार हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में आज तक इतना भ्रष्टाचार कभी भी और किसी सरकार में नहीं हुआ था। तो ऐसे सरकार को रहने देना है क्या? इसलिए इसको उखाड़ फेंकना है। वर्तमान प्रतिनिधि विधायक के बारे में कहा जाए तो वर्तमान विधानसभा में विकास की बात को छोड़िए, विधानसभा को वर्तमान विधायक ने लोकतंत्र के नाम से कलंकित करने का काम किया है, बदनाम करने का किया है, पूरे परिवार ने किया है। आज पूरे परिवार का बैंक अकाउंट सील है। बैंक अकाउंट किसका सील होता है? जिसका जो चोर होता है, डकैत होता है, उसका अकाउंट सील होता है। वैसे प्रतिनिधि को अवकाश दिखाना है। इस बार बड़कागांव विधानसभा में रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? इस बार बड़कागांव विधानसभा सबसे अधिक वोट से एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगा। क्या तैयार है? भाषण के नाम में लोग भयभीत है, विस्थापित आंदोलन के नाम में लोग कंसूर हो रहा है। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और जो वीडियो सब आप देखे होंगे किस तरह का जमीन लूटने में कहे उनको फेरा जाता है ग्रामीणों के द्वारा। पूरा हजारीबाग तो बड़कागांव जहां भी देखिए, ऐसे भ्रष्ट प्रतिनिधि को, पूरे परिवार को
आज जो भ्रष्टाचार के आरोप में जिसने अकाउंट की है, आप वैसे भ्रष्ट पार्टी को वैसे भ्रष्टाचार को इस बार उखाड़ फेंकना है। हम आपसे अपील करते हैं, वर्षा गांव में पूरे विस्थापन की इतनी बड़ी समस्या है, लगातार 30 वर्षों से हमने उस क्षेत्र में एक गांव में एक पंचायत में घूमा है। लोग जब मेरे पास आते हैं अपना दुखड़ा सुनाते हैं तो आज से आपको जाता है जिनकी जमीन चल गए, घर उतर गया, वो 10,000 रुपये का रोजगार के लिए ऐसे ऐसे दलाल है जो 50,000-1,00,000 रुपया घूस भी लेते हैं, वो ऐसे दलालों को भी सबक सिखाना है। आने वाले समय में कोई भी कंपनी हो, एनटीपीसी हो, कोई भी कंपनी हो, आज मंगलपुरा में एक साल से लोग वहां आंदोलन कर रहे हैं। वर्तमान सरकार किसी भी तरह से पहल रहे थी, कर्मचुमा जमीन का पहले पैसा मिलता था, लेकिन आज राज्य सरकार के गलत रवैये के चलते डायरेक्ट सरकार अपने खाते में ले रहा है और दूसरा जिनका जमीन है उसको पैसा नहीं मिलता है। राज्य में कोयले की चोरी हो रही है, पांच उद्योग अपने घर बनाने के लिए रोजी के लिए ट्रैक्टर चले जाता है तो रोज थाना में पकड़ कर घुटा दिया जाता है, केस किया जाता है। पड़ता गाँव में पतरापुर में हजारों हमारे बेरोजगार लड़के पान के माध्यम से अपना रोजी रोजगार करते थे, तब तो वर्तमान विधायक ने उसके परिवार में रोकने का काम किया है, सबका रोजी रोटी किया है, तो सब कुछ तैयार नहीं है। 13 नवंबर को आप कमलपुर पटन दबाकर भारी बहुमत से भाजपा को जिताइए, हम आपको विश्वास दिलाते हैं किसी का अवकाश नहीं होगा कि ट्रैक्टर रोक लेगा, किसी का अवकाश नहीं जिसका जमीन गया है उसको अधिकार देना होगा, उसको रोजगार देना होगा और नहीं तो कोई कंपनी नहीं चलेगा। ये हमारे लोकतंत्र में आपको अधिकार दिया हुआ है कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है वोट करने के लिए। आपके इस वोट से बड़का गांव विधानसभा का विकास तो होगा ही, बड़का गांव के सभी बेरोजगार शिक्षित लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तुष्टिकरण का राजनीति नहीं करिए, किसी को परेशान करिएगा तो आने वाले समय में हम लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। तिरमा में हमारे जबरदस्त एक महान फिर जिसको जबरदस्ती धर्म के और जबरदस्ती खड़ा होकर वर्तमान की विधायक ने जबरदस्ती राख निकलवाने का काम किया था, हिंदू धर्म को कलंकित करने का काम किया था। पूरा परिवार बैन के बाद परमानेंट सील कर दिया है, परमानेंट सील कर दिया है। मोदी सरकार केंद्र में अपना काम कर रही है और और आपके पीछे सरकार का जो घोषणा पत्र था उसका मैं जिक्र करूं तो इन लोगों ने कहा था कि हम हर साल 5 लाख नौकरी देंगे। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, उसका जवाब आया कि 12,500 नौकरी अभी से 6 महीना पहले तक इन्होंने दिया था। 25 लाख नौकरी के बदले केवल 12,500 नौकरी के जवाब दिया गया था। इनका घोषणा था कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो नौकरी के बदले बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक भी व्यक्ति को पूरे झारखंड में एक पैसा भी अगर बेरोजगारी का भत्ता इन लोगों ने दिया होगा वो आपके सामने है। महिलाओं को खाने का इससे भी बड़ा व्यापार इन्होंने काम किया, 2,000 रुपया चूल्हा छोड़कर खर्च देंगे, एक पैसा नहीं दिया। पूरे 5 साल जब खत्म होने को आया तो 1,000 रुपया महिला समान बोल करके खाते में डाला गया और विश्वास जानने का कि जैसे ही लोग के पक्ष में चुनाव का नतीजा आएगा ये आगे आपको एक पैसा भी नहीं देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प होता है, इंडिया का जो संकल्प होता है उससे पीछे मोदी जी की गारंटी काम करती है। मैं तो दोहरा रहा हूं कि मोदी जी की गारंटी काम करती है और जिन भी लोगों को विश्वास करना मोदी जी की गारंटी पर जब अपना हाथ लगा रहे हैं बात करके दिखाएंगे कि मोदी जी का गारंटी मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आज एनडीए ने निर्णय लिया है कि जब वो जीत करके आएंगे तो आप
में पहले प्रदान करेंगे कि 18 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 11 तारीख को हर महीने के 11 तारीख को 2100 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर होगा, उनके खाते में जाएगा। और अगर मोदी जी स्वस्थ कर रहे हैं तो 11 महीने का मतलब 11 तारीख को ही आपके खाते में पैसा जाएगा, ये मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मोदी जी आपके लिए और भी काम किया है कि आज गांव में साथ सभी जगह पर गैस का सिलेंडर का उपयोग होता है। आज आपको साल में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त मिलेगा और बाकी जितना सिलेंडर आप जलाना चाहेंगे वो सिलेंडर आपको 500 रुपए की राशि पर मिलेगा। इससे ज्यादा का जितना भी काम है वो भाजपा की सरकार देगी। आपको गैस देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, धर्मों का भी आपको दीवा दिया और अब मोदी जी ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको गैस जो है नियंत्रित दाम पर मिलेगा, पहला 2 मुफ्त में मिलेगा और उसके बाद 500 की राशि पर मिलेगा। तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो युवा नौकरी का प्रयास करेगा उसके लिए 2000 रुपए प्रतिमाह 2 साल तक आपको जो है सहयोग राशि प्रदान किया जाएगा ताकि आपका जो खर्च नौकरी ढूंढने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, कहीं जाने आने के लिए है उससे आप अपने मजबूर आर्थिक मजबूरी के चलते चूक नहीं जाए। इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी ये योजना लेकर के आई है। हर वर्ग के लिए एक स्कीम इस सरकार ने डिजाइन किया है। जैसे हमारी सरकार आएगी हम लोग पहले कैबिनेट में सभी चीजों को आपके लिए पूरा करेंगे। आप सब आग्रह व्यक्ति करने के लिए आया हूँ कि अगर आप इन सभी समस्याओं से इस राज्य में जो युग है तो आपके पास एक विकल्प है कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाए। आपको यह स्मरण रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य को बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में यह राज्य बना है और हमने बनाया है। हम ही लोग इसको सुधारेंगे, हम ही लोग उसको चलाएंगे। इस संकल्प के साथ आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, रोशन वाजपेयी जी को आपने आशीर्वाद दिया, अब अपना मत रोशन जी के पक्ष में देकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार सुनिश्चित करने के लिए यही आग्रह और यह पूर्ति करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद।